Oh. I'm shivering. I told you in my previous video, snow is coming, and look at all this mountain, very pretty. So yes, very nice view, huh? Check it out. Hi guys, Ram Ram, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यूरोपियन यूनियन, यूरोप और शेंगन क्या है, क्योंकि काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे पास में अगर फ्रांस का वीजा है तो हम स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते, शेंगन क्या है वगैरह वगैरह। हाय गाइस, माय नेम इज राज, आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज इन इंडिया। आई ड्रोव रिक्शा इन जयपुर मोर देन 10 ईयर्स एंड आई लव्ड इट, बट नाउ आई लिव इन फ्रांस विथ माई वाइफ एंड 2 किड्स। हाउ दिस हैपन, फॉलो माई स्टोरी। So guys, look at the view of Switzerland mountains. Yes, this is the border, and the back you see all the snow already start. Yes. हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब। कम कम, इट्स कमिंग एवरी 5 मिनट्स। हाँ, पुलिस ऑफ थोड़े पुलिस ऑफ। हाय गाइस, राम राम, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? प्रिया है, ट्रेन आ गई, फ्रांस से स्विट्जरलैंड जा रही है। तो हम खड़े हैं फ्रांस के और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे। तो हम आपको समझाते हैं, काफी लोगों का सवाल रहता है कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, शेंगेन, यूरोपियन यूनियन, ब्ला ब्ला। तो मैंने इसको थोड़ा इजी वे में, थोड़ी देहात भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। तो जैसे 50 के आसपास कंट्रियाँ हैं, लगभग 50 के आसपास कंट्रियाँ हैं पूरे यूरोप में। तो उनमें से लगभग 26 से 27 कंट्रियां हैं जो एक संगठन है यूरोपियन यूनियन का, और वो सदस्य हैं इसके। मतलब वो ट्रेड ट्रेड डील करते हैं, तो व्यापार हो गया, कैपिटलिज्म, ये सारा, मतलब ये बैठ के बातचीत करते हैं एक टेबल पे कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो अब तो ये तो हो गई यूरोपियन यूनियन की, भाई कि ये 50 कंट्रियों में से 26-27 कंट्रियों ने एक संगठन बना रखा है जो इस व्यापार मंडल पे काम करते हैं, ट्रेड डील पे काम करते हैं, कैपिटलिज्म पे काम करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी यूरोपियन यूनियन की, भाई कि ये सारे मिल बैठ के 26-27 कंट्रियाँ हैं जो ये इस पे काम करती हैं। फिर आ गया अपना शेंगन, भाई शेंगन क्या है? तो शेंगन है फ्री पास टू ट्रेवल इन कंट्रीज। तो इसका मतलब यही होता है शेंगन का, कि फ्री पास टू ट्रेवल इन कंट्रीज। तो भाई शेंगन में कौन कौन आता है? तो जैसे कि अब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड बेस्ट एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ। मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि स्विट्जरलैंड, इट इज स्विट्जरलैंड इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट्स नॉट। तो स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये एक शेंगन है कि आप फ्री ट्रेवल टू पास। बाकी आप अगर काम करना चाहें तो आपको वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया शेंगन। और जैसे कि अगर एक और एक इंटरेस्टिंग है, जैसे यूके अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहले
यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था लेकिन वो शेंगन नहीं था। तो ऐसे देख समझ रहे हो आप कि यूरोपियन यूनियन की भी कंट्रियाँ कई ऐसी हैं जिनमें शेंगन नहीं था। तो अभी वो यूके हट गया है तो अभी वो शेंगन ना तो शेंगन है या यूरोपियन यूनियन, वो अलग ही ब्रेक्जिट हो गया। तो ये स्विट्जरलैंड है जो एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी नहीं है और शेंगन भी है और फ्री पास टू ट्रैवल। तो आप तो मतलब आपके पास में अगर फ्रांस का वीज़ा है, जर्मनी का वीज़ा है तो आप टर्न अराउंड कैमरा, ये देख रहे हैं ये फ्रांस से आ रही है और स्विट्जरलैंड जा रही है ट्रेन। तो आपके पास में वीज़ा है, बैठिए और जाइए। तो ये है स्विट्जरलैंड की ट्रेन है और तो इजी वे टू अंडरस्टैंड शेंगन एंड यूरोपियन यूनियन इट्स या। तो आपके पास में अगर कोई सी भी कंट्री का वीज़ा है तो इस पर शेंगन है तो आप स्विट्जरलैंड आ सकते हैं। यू ऑलवेज कैन कम स्विट्जरलैंड इफ़ यू हैव शेंगन वीज़ा। तो ये था यूरोपियन यूनियन और शेंगन। तो शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी लगी होगी या ना लगी होगी लेकिन मैंने शायद सही ढंग से बताने की कोशिश की है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चाओ चाओ।